कैनन का मशीन है ये, 2010 जी 2010 है। इसको हमको क्या है, इंस्टॉलेशन करना है, नया प्रिंटर एकदम, अभी बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर है ये, ओपन बॉक्स करने जा रहे हैं। नया प्रिंटर आपको हम दिखाते हैं कैसे इंस्टॉलेशन करना, क्या क्या इसमें फीचर हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या ध्यान देना है, कैसे इंक भरना है, कैसे कार्ट्रिज लगाना, कैसे पेपर डालना, कैसे प्रिंट करना, सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं आपको। सामने ओपन बॉक्स करने जा रहे हैं, ये देख सकते हैं हम ओपन कर रहे हैं, ये रहा, ऐसे ओपन करेंगे। इसमें देख सकते हैं क्या क्या मिलता है हमको, नए प्रिंटर के अंदर क्या क्या मिलेगा। नए प्रिंटर के अंदर मिलता है हमको, देख सकते हैं, ये यूएसबी केबल मिल जाता है, ये पावर केबल मिल जाता है, ये देख सकते हैं, ये मिल जाएगा अपना, हेड मिल जाते हैं, दोनों हेड मिल जाते हैं। उसके बाद में ये देख सकते हैं कलर मिल जाते हैं, चारों कलर मिल जाते हैं। हम अभी प्रिंटर बाहर निकाल के इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे लगाना है, क्या करना है, हम आपको सब चीज़ दिखाएंगे। ये हमारा इसका मैनुअल आ जाता है, सीडी आ जाता है, ये देख सकते हैं सीडी आ जाता है, मैनुअल आ जाता है, सारी चीज़ें हम अभी बाहर निकाल रहे हैं। अभी हम निकाले प्रिंटर, प्रिंटर को यहाँ रख दिए हैं, बॉक्स को हम रख देंगे इधर। ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं नया प्रिंटर आ चुका है। इसमें हमको क्या करना है, टेप निकाल देना है, सारे टेप निकाल देना है, ये देख सकते हैं सारे टेप हमको निकाल लेना है ऐसे आराम से। उसके बाद में हमको ये जो लॉक है, लॉक आराम से ऐसे निकालना है, उसके बाद इसको पुश करना ऊपर की तरफ, तो ये खुल जाएगा। उसके बाद ये हमारे देख सकते हैं कार्ट्रेजेस हैं, पहले ब्लैक वाला ओपन कर लेना है, आराम से ब्लैक वाला ओपन करेंगे, ऐसे ओपन कर लेंगे, ये इधर ओपन करके इधर लगा दिया। अब कलर वाला ओपन करेंगे, कलर वाला ओपन करेंगे, उसका ऊपर का स्लिप निकाल देंगे, उसके बाद ये निकाले, उसके बाद आराम से इसको लगा दिए, उसके बाद पुश कर देंगे ऐसे ऊपर का, ये दोनों पुश करना है। उसके बाद हमको क्या करना, इंक भरना, पहले ब्लैक वाली इंक भरना है, ये देख सकते हैं ब्लैक वाला कलर है, 790 बोलते हैं, ये देख सकते हैं इसको ऐसे भर देना है, ये खोलेंगे ऐसे, उसके बाद ऐसे भर देंगे, ऐसे भर देंगे ब्लैक वाला। ये भर दिए ब्लैक वाली इंक, ये पुश करके बंद कर दिए, ये निकाल के बाहर हो गई बोतल। ये देख सकते हैं अब येलो कलर का बोतल है, येलो कलर का बोतल हम भरेंगे, खोल दिए ऐसे, ये देखो येलो कलर का बोतल निकल गया, उसका बुच ऐसे खोल देंगे, इसमें ऐसे भर देंगे। उसके बाद मजेंटा कलर हम देख सकते हैं, खोले मजेंटा कलर को भरेंगे, ये मजेंटा वाला मजेंटा में डालेंगे, मजेंटा कलर है इधर,
ये नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा, नया प्रिंटर इंस्टॉलेशन करने के लिए जब नया बॉक्स ओपन करोगे तो ऐसा करना पड़ता है सब। आप घर बैठे इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अभी देख सकते हैं ब्लू कलर बढ़ेंगे जिसको सियान बोलते हैं। ये बुच खोल दिए, सियान कलर को इधर लगाएंगे, ऐसे पुश करेंगे धीरे धीरे से, इंक टैंक में रिफिल हो जाएगी। देख सकते हैं इंक रिफिल हो रही है। ये हो गया, इंक फुल हो गई, बंद कर दिए। ये डोर को ऐसे आराम से बंद कर देंगे। अब हमको कनेक्ट करना है पावर। इस साइड में देख सकते हैं इसका पावर रहता है, इस साइड में पावर रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं पावर लगाना है। यहाँ पे ऐसे 2 पिन का केबल लगा दिए, वहाँ प्लगिंग कर दिए उसको। प्लगिंग करेंगे तो मशीन का बटन ऐसा रहेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा हमको। देख सकते हैं मशीन को ऑन करने के लिए ये वाला बटन ऑन कर दिए, मशीन ऑन होगा, प्रोसेस होगी, मशीन पूरी प्रोसेस हो जाएगी, मशीन आवाज़ आएगा आराम से, घबराना नहीं। जब रेडी हो जाएगा तो इधर ड्रॉप का बटन बन के आएगा। ये देख सकते हैं ड्रॉप बन के आया हुआ है, ये ड्रॉप बना हुआ है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पावर वाला बटन है दबा के रखना है 1 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देना है। दबा के रखे, छोड़ दिए, अभी ये प्रोसेस में जाएगी मशीन, क्लीनिंग होगा, 4-5 मिनट लगेगा, 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाएगी मशीन। ये देख सकते हैं इंक का पाइप है ना, भर रहा है पूरा। इंक इंस्टॉलेशन हो तो पूरा इंक का पाइप भर जाता है, पूरा पाइप भर जाता है। ये देखो भर गया, पूरा पाइप भर जाएगा। अभी मशीन चालू है, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद पूरा हेड के अंदर इंक जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा प्रिंटर रेडी हो गया। यहाँ वन वन लिख के आएगा, वन लिख के आता तो रेडी हो गया हमारा प्रिंटर। अब हम डालेंगे इसमें पेपर। अभी हम डालने जा रहे थे पेपर, आपको हम दिखाएंगे। पेपर डाल देंगे इसमें, ये पेपर डाल देंगे। अभी हम इसको एडजस्ट कर दिए। अब हमको निकालना रिपोर्ट। रिपोर्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये टूल्स वाला बटन दबाना है एक बार ऐसे, तो यहाँ टूल्स बन के आएगा। उसके बाद एक कोई भी इधर से टाइप कर दो, कलर चाहिए तो कलर, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, एक दबाएंगे तो प्रिंट आ जाएगी। अभी रिपोर्ट प्रिंट आएगी, देख सकते हैं पेपर ले लिया, रिपोर्ट प्रिंट आएगा अभी बाहर। ये देख सकते हैं रिपोर्ट प्रिंट आ चुकी है। अभी हम कोई चीज़ का भी झेरोक्स मारेंगे। देखो हम झेरोक्स मारने जा रहे हैं, जैसे ये फोटो है इसका हम झेरोक्स मारेंगे। कलर पहले मारेंगे फिर ब्लैक मारेंगे। इसको यहाँ पे रख दिए हैं, उसके बाद कलर वाला बटन एक बार पुश करेंगे, कलर झेरोक्स आएगा। स्पीड इसमें बहुत है, झेरोक्स के लिए 10 कॉपी का पर मिनट स्पीड है उसका। कलर ब्लैक जो भी मारना मार सकते हैं, सबसे अच्छा प्रिंटर, बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर है, भी लेटेस्ट है। और इसमें नो प्रॉब्लम, मेंटेनेंस एकदम जीरो है, जीरो मेंटेनेंस है इसमें, मेंटेनेंस आई नहीं है। घर बैठे आप बना सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो घर बैठे ही कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं इसका झेरोक्स आया हुआ, आप देख सकते हैं झेरोक्स है, कलर झेरोक्स है। अब हम ब्लैक मारेंगे, देख सकते हैं ब्लैक वाला बटन दबाएंगे तो ब्लैक झेरोक्स आएगी। अभी देख सकते हैं कलर आ चुका है।
ये देख सकते हैं ब्लैक जेरोक्स आ गया है, ब्लैक कलर दोनों आ चुका। अब हम इसमें फोटो प्रिंट मार के दिखाएंगे आपको, ए फोर का फोटो प्रिंट मारते हैं। पहले तो हम लगाएंगे इसमें फोटो पेपर, ये फोटो पेपर लगा सकते हैं। इसमें 130 GSM, 180, 65 GSM सब GSM चलते हैं, लास्ट 300 GSM चलता है। अभी इसमें हम इसमें लगा दिए फोटो पेपर, उसके बाद हमको इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा, तो हमको लगाना पड़ेगा इसका USB। हमारे पास इसका ड्राइवर इंस्टॉल है, इसलिए हमको ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों के पास नहीं इंस्टॉल रहेगा तो आप खुद से CD डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये है प्रिंटर को लगाएंगे, ये देखो ये सब फोटो हैं, हमको भी फोटो प्रिंट करना। एक ये हो गया, ये हो गया, चार फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे चार फोटो सिलेक्ट हो गए, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट में जाने के बाद में यहाँ पे 48 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमको प्रिंटर सिलेक्ट करना है। ये देख सकते 2010 आ चुका है, इसको सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे साइज ले लिया A4, उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड कर लिया, यहाँ पे मैट रख दिया, यहाँ पे देख सकते हैं 4 अप कर लिए। उसके बाद में हम इधर से सिलेक्ट करके प्रिंट मार देंगे। ये देख सकते हैं हमने प्रिंट दे दिया, कमांड दे दिया, अभी प्रिंटर पे प्रिंट आ रहा है। ये देख सकते हैं फोटो प्रिंट खींच लिया है। स्टूडियो के लिए, जेरोक्स के लिए, दुकान के लिए सबसे अच्छा, घर के लिए प्रिंटर बहुत अच्छा है। ये देख सकते फोटो आ चुका है, इसमें 4x6, A4, 5x7, 6x8 लीगल कुछ भी प्रिंट मार सकते हैं। सबसे अच्छा घर बैठे प्रिंटर है, सबसे अच्छा प्रिंटर है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इंक बोतल है, इंक भर सकते हैं। कभी भी हमको हेड आउट निकालना है तो ये पहले लॉक को ऊपर कर देना है, इसे ये लॉक ऊपर करना है, उसके बाद हेड निकालना है। हेड लगाने के बाद ये बंद कर दिए, उसके बाद में ये बंद कर दिए, ये प्रिंटर हमारा ओके हो गया। हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो।